एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनाई ट्विंस मॉम वर्ल्ड। आप लोगों को स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, ईशाना भी अच्छा है और संतु भी अच्छा है। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ मेरा और एक न्यू ब्लॉग लेकर। तो इस ब्लॉग में मैं मेरा थोड़ा बहुत कुकिंग रेसिपीज शेयर किए हैं। एक वेज सोया का भी रेसिपीज़ है और बच्चे लोगों के लिए मोस्टली मैं दलिया का खिचड़ी बनाया, उसको भी मैं शेयर किए। तो ब्लॉग के साथ रहिए, देखते रहिए। और जो चीज़ मैं डाली हूँ, मतलब 2 साल का बच्चे को आप बिना पढ़ाई के कैसे कलर सिखा सकते हैं, ऐसा वाला कौन सा आप मतलब टॉयज़ जो है आप खरीद सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं, ये सब कुछ मैं इस ब्लॉग में डाली हूँ। और डालिया का खिचड़ी ऐशाना को कैसा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। शायद आप लोगों को जिसका बच्चा दोपहर में राइस ऐसा वाला कुछ खाना खाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा बनाने के लिए। तो ये लगभग 2 से 3 मिनट ही ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। तो चलिए, इस ब्लॉग को देखते रहिए, मेरे साथ रहिए। और कल का मैं और एक ब्लॉग डाले थे, जो कलकत्ता का रेंट कैसा है। तो आप लोग कोई देखना चाहेंगे, कोई कलकत्ता मैंने में कुछ जानना चाहेंगे, कोई कलकत्ता आना चाहेंगे, कोई रहना चाहेंगे, तो कहाँ से रेंट लेना है या फ्लैट ख़रीदना है, कहाँ से क्या करना है, तो मैं सब कुछ उस ब्लॉग में डालने का कोशिश की है। उसके बाद में भी मेरे कुछ मिस हो जाएगा, तो आप लोग ब्लॉग को देख के मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना हो सके मेरे से मैं कवर करने के लिए कोशिश करूँगी। तो मैं वही बात बोलूँगी, आप लोगों को कुछ भी जानना है बच्चे के लिए हो, कुकिंग के लिए हो और कलकत्ता के बारे में हो, तो मैं जानने के लिए, बोलने के लिए मैं रेडी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए, मेरा ब्लॉग देखते रहिए और कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है वो भी मेरा कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करते रहिए। चैनल को अच्छा लगेगा, मेरे साथ रहने का आप लोगों को अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए, मेरा जो कुकिंग ब्लॉग है वो भी देखते रहिए और वीडियोज़ को एंड तक देखिए, क्योंकि बीच बीच में ऐशाना का कुछ एडुकेशनल पार्ट भी मैं डाले हैं जो शायद आप लोगों को नेसेसरी हो सकता है। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट। चलिए, मैं आ गई हूँ मेरा एक छोटा सा क्यूट सा जो किचन है, उसमें मैं आज बनाने जा रही हूँ सोया चिली। तो इसीलिए मैं सोया को एक वाटर में डुबो के उसमें नमक हल्दी डाल के उसमें मैं बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी। मैं इसमें ही बॉईल कर लेती हूँ। आप लोग चाहते हैं तो इसमें एक सीटी भी लगा सकते हैं, बट मेरे पास सोया का जो छोटा वाला जो चांग है वो वाला था, बड़ा चांग वाला नहीं है, इसीलिए मैं उसमें ही बॉईल कर लेती हूँ। तो चलिए, उसमें है लगभग 100 ग्राम के आसपास सोयाबीन है, तो इसके लिए मैं एक बड़ा साइज़ का जो प्याज मतलब ऑनियन है एक ले लिए है, आप लोग देख सकते हैं, और लिए है एक टमाटर और लगेगा कैप्सिकम। तो प्याज को मैं बारीक काट लूँगी छोटा छोटा करके, आप लोग बड़ा बड़ा पीस पेटल्स जैसे भी काट सकते हैं, मेरे को छोटा वाला पीस चाहिए था इसलिए मैं ऐसा करके काट लेती हूँ, तो आप लोग बड़ा बड़ा से भी काट सकते हैं। तो मैं पूरा प्याज को काट लिए है, उसके बाद मेरे को ज़्यादा टमाटर नहीं चाहिए और थोड़ा सा छोटा सा ही चाहिए था, तो इसीलिए छोटा पीस लिए, क्योंकि मैं बाद में टमाटर का जो कीचअप होता है वो ही मैं ऐड करूँगी। तो देखिए, बड़ा जो कैप्सिकम है उससे मैं थोड़ा सा 1/4 आपको कैप्सिकम चाहिए। कैप्सिकम मैं बड़ा पीस कर रही हूँ, इसको मैं बारीक नहीं कट रही हूँ, इसको मैं पेटल्स जैसा ही कट रहती हूँ, क्योंकि कैप्सिकम ज़्यादा करने में नहीं होता है, मैं इसमें ही हो जाएगा। तो जो मेरा जो सोया था वो बॉयल होकर रेडी हो गया, उसको मैं बॉयल होने के बाद ठंडा होने के लिए कुछ टाइम छोड़ दिए थे। देखिए, बॉयल होने के बाद इसको देखने में पूरा ऐसा लगेगा, क्योंकि इसमें हल्दी और नमक डाले हैं। तो जब आप कुकिंग में ऐड करेंगे तब लोग देख लेना नमक और हल्दी को। देखिए, इसमें से भी आपको थोड़ा सा पानी निकालना चाहिए, 50% पानी आप निकाल देंगे, 50% पानी आप अंदर रख देंगे तो सही रहेगा। ज़्यादा पानी निकालने से भी ये ड्राई ड्राई जैसा हो जाएगा, तो इसके अंदर 50% पानी छोड़ देंगे और 50% पानी इसके अंदर रहने के लिए देंगे। तो चलिए, मैं आ गई हूँ मेरा गैस के पास, मेरा गैस को ऑन कर दिए, उसके ऊपर मेरा जो कढ़ाई है उसको चढ़ा दिए। मैं पूरा कुक जो है वो मैं मस्टर्ड ऑयल में करूँगी, आप लोग चाहते हैं तो वाइट ऑयल, अदरवाइज़ आप लोगों के पास ऑयली ऑयल जो भी आप लोग ऑयल यूज़ करते हैं उसमें कर सकते हैं, बट हम लोग पूरा कुकिंग मस्टर्ड ऑयल से ही करूँगी। तो ये अब मेरे को देखे लग रहा है जो इसका जो ऑयल है वो ऑलमोस्ट गर्म हो गया,
ठीक इसी टाइम पे मैं इसके ऊपर मेरा हम लोग जो फोड़न लगाते हैं वो मैं ऐड करूँगी। तो फोड़न में मैं सिर्फ ऐड करूँगी जो जीरा होता है, मतलब फेनल सीड्स, उसको मैं ऐड करूँगी। और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा हम लोग का जो ड्राई रेड चिली होता है उसको मैं ऐड करूँगी। आप लोग हींग का भी लगा सकते हैं, मैं हींग यूज़ नहीं करती हूँ इसीलिए मैं जो रेड जो होता है रेड चिलीज उसको मैं ऐड करूँगी। तो देखिए मेरा जो कढ़ाई है वो गर्म होकर रेडी हो गया था। उसके ऊपर मैं मेरा जो भेजीज है मतलब ऑनियंस टमाटर एंड कैप्सिकम को मैं ऐड कर देती हूँ। तो इसको आपको अच्छे से भूनना पड़ेगा, ये जितना अच्छे से भूनेंगे तो वो इतना मतलब गल जाएगा और इसका जो ग्रेवी होता है वो बहुत थिक बनेगा। तो मेरे को यही अच्छा लग रहा है तो मैं इसको अच्छे से भून लिए है। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके रेड रेड कलर आ रहा है और इसको मतलब इसके ऊपर मेरा जो ड्राई मतलब मसाला है वो भी मैं ऐड करूँगी। देखिए इसमें ऑलमोस्ट रेड रेड कलर आ गया, तो इसी टाइम मैं मेरा मसाला को ऐड करूँगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा कम हल्दी डाल रही हूँ क्योंकि मेरा सोया में ऑलरेडी हल्दी डाला हुआ है। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ जीरा पाउडर, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ नमक। नमक थोड़ा सा कम क्वान्टिटी में यूज़ करना क्योंकि मैं इसके बाद जो सोया सॉस और टमाटर सॉस है वो भी मैं ऐड करूँगी। तो सोया सॉस में नमक रहता है तो इसी हिसाब से आप लोग सोच के ऐड करना आप लोगों को स्वाद के हिसाब से। तो चलिए पूरा जो मसाला है मैं पूरा ऐड कर दिया, मसालों को अच्छे से भूनना है। और इसी टाइम में मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। मेरा घर में जो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं 1 महीने के लिए स्टोर करके रखती हूँ, उसका रेसिपीज मेरा ब्लॉग चैनल में ही है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। बट ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये अदरक एवरेस्ट का है। तो एवरेस्ट का हो या बाहर का कोई भी जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरे को इतना पसंद नहीं है, बट वो वाला जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरा ख़त्म हो गया था तो इसीलिए मैं इसमें आज का काम चला लेती हूँ। तो मेरा जो मसाला था वो जल रहा था इसीलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया, जिसमें मेरा कैप्सिकम टमाटर और प्याज जो है वो अच्छे से बॉयल्ड भी हो जाएगा। देखिए इसको पूरा हो गया, उसके बाद मैं इसके ऊपर टमाटो केचप और उसके बाद इसके ऊपर सोया सॉस भी ऐड कर दूंगी। सोया सॉस ऐड करने के टाइम पे आप लोग ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। तो ग्रीन चिली सॉस ऐड करने से क्या होता है, मैं थोड़ा सा तीखा बनता है तो मेरा बच्चा खाएंगे इसीलिए मैं ऐसा सोया सॉस में इसको काम चला लेती हूँ। तो देखिए ये मेरा जो मसाला है ऑलमोस्ट भून गया, इसका कलर कितना सुंदर आया है। और इसी टाइम पर मेरा जो सोयाबीन है उसको मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। तो इसमें यह मैं आप लोगों को एक ही बात शेयर करूंगी, ये रेसिपीज़ आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करना, भेज में बना लेना। भेज में बनाने से ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है। कोई किसी के घर में कोई गेस्ट आए हैं उसको भेज रेसिपीज़ चाहिए है रोटी या पराठा, इसके साथ आप लोग इसको दे सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए यह मेरा ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया। इसी टाइम में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी क्योंकि ये कढ़ाई के नीचे लग रहा था तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर दूंगी। कवर करने के बाद लगभग आपको 5 मिनट फुल फ्लेम में इसको एक बार ढक के कुक करना है। तो उसके बाद जब देखिए ये मेरा बन के ऑलमोस्ट हो गया तो इसको इसके ऊपर मैं इसी टाइम थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर दिया। तो चलिए इसको मैं ढक दूंगी, ढक के 5 मिनट कुक करना। और जब बंद कर देना, 5 मिनट कुक करने के बाद गैस का फ्लेम को बंद करके 10 मिनट कुक करना, और गैस का फ्लेम को ऑन करके 5 मिनट कुक करने के बाद इसको छोड़ देंगे। तो देखिए ये मेरा बनके ऑलमोस्ट रेडी हो गया। मैं आप लोगों को एक ही बात फिर से बोलूँगी, प्लीज़ इसको बना के घर में ट्राई करके देख लीजिए, ये बहुत अच्छा और बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। Look, this is your toys, new toys. Look, wow. Which color, beta? Which color? Which color?
is this is white. Orange color, yes, and this is green color. This is which color? Can you fix it? Hey, Papa. No, fixed. Wow. This is number of 1. Yay. No, beta, ina, no. Now where? Put properly. No, not there, the beta. This is here. You do? Which color? Enna? Is it not there though? Enna, very good girl. Do. What are you doing? No. Bo. Very good, Anna. No. This is which color? Isha? In time, see you take. Wow, winner! Do winner? Yes, I know. Do winner? No. Win. Again? No. Say bye bye. Say, Mama bye bye. Inna do? Inna do? Isa, look at me. Yes, sir. Wait, look at me. मैं फिर से आ गई हूँ. मेरा एक छोटा सा क्यूट सा रेस्टोरेंट किचन पे. तो मैं देखिए, मैं गैस का चूल्हा को चला दिए, उसके ऊपर प्रेशर कुकर को चला भी दिए. तो मैं आज बनाने जा रही हूँ डालिया का खिचड़ी, जो मेरा ऐशा एना का बहुत फेवरेट है, और 2 साल का बच्चे के लिए ये बहुत हेल्दी फूड भी होता है. तो मैं इसीलिए इसको मैं बना रही हूँ व्हाइट ऑयल से. आप लोग घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा बनता है. तो इसमें मैं डालूँगी सिर्फ कैरेट्स और बीन्स. आप लोग और भी कुछ सब्जी, आप लोगों का बच्चा लोग जो खाना पसंद करते हैं वो भी आप लोग डाल सकते हैं. और पास में मैं और एक फ्राइंग पैन चढ़ा है, उसमें मैं डालूँगी मूंग दाल, क्योंकि मैं इस रेसिपीज पूरा बनाऊँगी मूंग दाल से और डालिया से. तो ये है मेरा मूंग दाल. मूंग दाल को मैं थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी फ्राइंग पैन में. इसमें कोई मैं ऑयल नहीं डाली हूँ, उसको गर्म होने के लिए मैं छोड़ दिए हूँ. और प्रेशर कुकर में जो सब्जी डाले थे उसको मैं थोड़ा सा सॉटे कर दिए. तो मेरा मूंग दाल गर्म हो गया था, उसको मैं उसके अंदर डाल दिए. और ये है मेरा डालिया, इसको मैं क्लीन करके भिगो के रख दिए. इसको मैं डाल रही हूँ मेरे प्रेशर कुकर में. प्रेशर कुकर में पानी डाल दिए है. इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ नमक, हल्दी एंड थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर. आप लोग और भी कुछ अलग डाल सकते हैं, मैं यही 3 लोगों को खाने के लिए यूज़ करती हूँ. तो देखिए, ये मेरा बनके ऑलमोस्ट रेडी हो गया. इसको देखने में भी एवं खाने में बहुत टेस्टी बनता है. तो चलिए मैं दिखा देती हूँ ऐसा इन्हों को खिलाने में, मेरे कैसा खिलाती हूँ और इन लोग खाने में कितना सुंदर खा लेते हैं, क्योंकि ये इन लोगों का बहुत फेवरेट फूड है. तो चलिए देखिए, मैं आप लोगों को और एक बात बोल रही हूँ. ये देने में से दोपहर में, मतलब लंच में, इन लोगों का पेट बहुत टाइम तक भरा रहता है, तो जिसमें इन लोग बहुत खुश भी होता है और बच्चे का हेल्थ भी अच्छे से ग्रो करते हैं. तो आप लोग इस रेसिपीज़ को जरूर ट्राई करना. और मेरा ब्लॉग में 2 साल का बेबी फूड का और एक रेसिपीज़ में शेयर किए थे. आप लोग चाहते हैं तो वहाँ पर भी जाके आप लोग देख सकते हैं. तो चलिए, मेरे साथ देखते रहिए, जुड़े रहिए. और वीडियोस को अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. बाय बाय फ्रेंड्स.
Holy water, the way.